ओके okay, दोस्तों यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आधार कार्ड लॉक और आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक को लेकर ये दो चीज़ें हैं दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन यहां पर लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आधार कार्ड है ये मोदी सरकार के आने के बाद लॉन्च हुआ है और ये अब भारत में एक ऐसा आपका पहचान पत्र बन चुका है या फिर एक ऐसा कार्ड बन चुका है जो कि हर आदमी के पास होता है जो जब तक वो आदमी जिंदा रहता है सौ डेढ़ सौ दो सौ दो सौ साल तक वैसे कोई रहता तो नहीं है दो सौ सात लग लेकिन जब तक भी जिंदा रहता है तब तक उसका आधार कार्ड काम करता है साथ ही आपको पता दी अगर आपका वोटर आई कार्ड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन आधार कार्ड होना जरूरी है दोस्तों आप देख रहे हैं टेक हैकर से और मेरा नाम है प्रदूम आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है और इन दोनों को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया ये वाला थमल का वीडियो देख लेना आपका काम हो जाएगा लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आधार लॉक करना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है एक दो दिन के अंदर मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ तो आप लोग अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए इस कम्बाल के वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आधार कार्ड लॉक और आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक होता क्या है देखिए दोस्तों कोई होता है कि जैसे किसी आदमी को पूरा का पूरा जेल में बंद कर दिया जाए वो हो गया आधार कार्ड लॉक और कोई होता है कि मतलब एक आदमी को केवल हाथ को बांध दिया जाए तो वो हो गया आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक मतलब पूरा का पूरा बंद कर देना आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है पूरा एक पिंजरे में कैद हो चुका है और आधार कार्ड बायोमेट्रिक का जो लाक है उसको मतलब आदमी को आधा ही बांधा जाए जैसे उसका हाथ बांध दिया जाए पैर बांध दिया जाए या फिर उसका मुंह को बांध दिया जाए वो ना पाए तो ये हो गया बायोमेट्रिक लाख दोस्तों आप बात कर लेते हैं आधार कार्ड लॉक और लॉक होता क्या है यहां पर आपको बता दे कि इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं बहुत सारे फायदे नहीं भी होते इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है दोस्तों अगर मान लीजिए आधार कार्ड आपका कहीं पे खोस आता है तो आपका इसका एडवांटेज ये मिलने वाला है कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड को लॉक किए रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ इलीगल एक्टिविटी करना चाहता है या फिर उसके साथ कोई फ्रॉड करना चाहता है आपके आधार कार्ड के साथ तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आप लोग अपना आधार कार्ड पूरी तरीके से लॉक किए रहेंगे लेकिन दोस्तों यही पर बता दें कि इसके फायदे जो है वो तो अच्छे हैं लेकिन इसके जो लॉस है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चुप सकता है मान लीजिए कभी क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है और आपको जस्ट कोई काम करना है तुरंत आपको अपने आधार कार्ड का काम है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है या फिर यहाँ वहां से सब चीजें करनी पड़ती है लेकिन मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि कल या परसों की डेट में आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कितना भी इमरजेंसी रहे आप सिर्फ एक मिनट के अंदर तुरंत बस एक क्लिक करना होगा और आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा अगर आप लोग लॉक किए रहेंगे तो बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे फायदे की तो आपको बता दें अगर आपका आधार कार्ड से कोई भी कोई कहीं पर ट्रांजेक्शन करना चाहता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें करना चाहता है जो कि आप नहीं करवाना चाहते हैं वो आपसे जबरदस्ती करवा रहा है कोई व्यक्ति आपका फिंगरप्रिंट लगवा के आपसे पैसे जबरदस्ती निकलवाना चाहता है तो वहां पर आप अगर लॉक किए रहेंगे तो उसे लगेगा यार इसका तो बायोमेट्रिक ही नहीं काम कर रहा है और आप वहां पर बच सकते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक को लेकर तो आपको बता दें कि आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक होता है यानी कि आपका ये दोनों अंगूठे या फिर ये दस अंगुल इनके द्वारा आप अपना पैसे विड्रॉल करते हैं अपने बैंक से या फिर अपने एटीएम मशीन से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लगा के तो आपको बता दें अगर आप लोग अपना फिंगरप्रिंट लॉक किए रहेंगे तो अगर कहीं पे भी आप जा रहे हैं या फिर कहीं पे ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर आपको फ्रॉड होने का चांस है तो आप अपना लॉक कर सकते हैं बायोमेट्रिक को यानी कि अपने अंगूठे को ताकि कोई भी व्यक्ति आपका फिंगरप्रिंट लगवा के आपसे कोई काम ना करवा पाए या फिर अगर आप मान लीजिए कहीं पर भूल के भी अपना फिंगरप्रिंट रख देते हैं और कोई

यहाँ पर हमने दोनों चीजें की बातें है की हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड लॉक पूरा एक व्यक्ति कैद हो जाता है और आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक एक हाथ को बांध दिया जाता है या फिर दोनों हाथों को बांध दिया जाता है उस तरीके से होता है तो इतना इनमें फर्क होता है अगर आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक रहेगा तो दोस्तों आपको बता आप सभी काम कर पाएंगे अपने आधार कार्ड को तो कहीं भी नंबर इंटर करके आपका काम हो जाएगा वेरिफिकेशन उसमें सब कुछ हो जाएगा लेकिन अगर आपका आधार कार्ड लॉक रहेगा पूरा का पूरा तो आपके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन या फिर कहीं पे भी इंटर करेंगे उसका कोई यूज नहीं होगा वो पूरा यूजलेस हो जाएगा यानी कि उसका नंबर वर्क ही नहीं करेगा कहीं पर तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो को आप लोग लाइक करना शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपको दो दिन के अंदर आधार लॉक और आधार बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक को लेकर एक बहुत ही धान वीडियो लेकर आने वाला हूं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय Thank you.